किठोर क्षेत्र के राधना गांव में पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पूरे जिले मेरठ में कप्तान व आलाधिकारी के आदेश अनुसार चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। वहीं पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, उसी के दौरान ही मेरठ के किठोर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक बैगेयर कार में चार व्यक्ति मिले जिसकी तलाश ली गई। और तलाशी के दौरान ही बता दें कि चारों व्यक्ति के पास से अवैध तमंचा जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों ने स्वीकार कर लिया। वहीं साधना गांव में एक ईंट के खेत के पास ईंटों का भट्ठा है जहां पर अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जाकर देखा तो वहां पर अवैध तमंचे बरामद हुए, तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद हुए। प्राइम बेकर न्यूज शनि के लिए खास रिपोर्ट मेरठ से सहजाद खान। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगमन हुआ है, क्या पूरा मामला है, कहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या इसके अंदर बरामदगी है? आज सुबह से ही मेरठ ठीक है फिर से तो नहीं सर प्रेस जी आज सुबह से ही मेरठ पुलिस के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था, चेकिंग का अभियान। इसी के तहत थाना किठौर पुलिस के द्वारा ईशापुर मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी। मुखबिरों के द्वारा सूचना भी मिली थी, उसी के संदर्भ में एक वैगनार गाड़ी को चेक किया गया जिसमें चार अभियुक्त थे जिनके नाम है नाजिर पुत्र बाबू, नाजिम पुत्र बाबू, मुजीब पुत्र शराकत और शोएब पुत्र अनबार। इनके पास से चार कट्टे बरामद हुए, 315 बोर के कट्टे थे। फिर इनसे पूछताछ की गई और इनकी निशानदेही पे एक पूरी अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री बरामद हुई है। राधना गांव के पास एक ईंट का भट्टा है, वहां पे शस्त्र फैक्ट्री बरामद हुई है जहां से 6 और कट्टे बरामद हुए। इस तरीके से टोटल 10 315 बोर के तमंचे बरामद हुए हैं, सभी चालू हालत में हैं और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही पूरी जो भी बनाने के उपकरण है, आरी है, सरिया है, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। तो एक जनपद मेरठ पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। कब से बना रहे थे और कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे वहाँ? ये काफ़ी समय से बताते हैं कि काफ़ी समय से बना रहे हैं और सप्लाई आसपास के जनपदों में किया करते थे। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ही आगे की स्थिति का पता चलेगा। इनका कोई आपराधिक इतिहास सर? इनके आपराधिक इतिहास हैं, इनके कुछ मुकदमे हैं 2021 के इनके ऊपर मुकदमे हैं और आपराधिक इतिहास और बता दीजिएगा। ये नासिर पुत्र बाबू जो है इसके ऊपर ये आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल गया है 2021 में, तो पहले भी ये मुकदमे में है।